नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DLSS न्यूज में। और रोज की सच्ची और अच्छी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकॉन का निशान होगा उसे भी दबा देना। तो चलो देखते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबरें। ब्रेकिंग न्यूज, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटी का भविष्य बनाए उज्जवल। बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप न्यूनतम राशि 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अधिकतम राशि 1,05,000 रुपये तक भी जमा कर सकते हैं। खाता खुलने की डेट से 21 साल बाद या बेटी के शादी के समय सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाता है और इस योजना पर 7.6% ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर महीने आप 3,000 निवेश करने पर 21 साल बाद 15,22,221 रुपये भी मिल सकते हैं। तो आप अपनी बेटी का भविष्य इस योजना के तहत आप उज्जवल बना सकते हैं। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो बेंगलुरु में BKU के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर फेंकी स्याही। बेंगलुरु में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर स्याही फेंक दी गई। एक चैनल के कर्नाटक के किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर का रुपया मांगते हुए स्टिंग किया था। इसी मामले में ये दोनों सफाई देने पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने उनसे बहस शुरू कर दी और उन पर स्याही फेंक दी। टिकैत के मुताबिक हंगामा करने वाले लोग किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसी तरह हंगामा चल रहा है। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी 6,800 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर CM आवास जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने सभी को परिवर्तन चौक पर रोक लिया, जिसके बाद चौक पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं।